और मेरे अंदर परमात्मा बसते हैं, लेकिन आप जैसे ढोंगियों के लिए नहीं हूं मैं। उसने कहा आपके कहने से कोई ढोंगी नहीं होने वाला। नहीं नहीं, एक सेकंड बिशप अमर, आप एक बात पे अगर कह देते ना मैं कैथोलिक हूं और मैं फिर आपसे बात करता। नहीं नहीं मैम, दूसरी ऐसी ईसाई पैनलिस्ट है हमारे साथ जो आपको कह रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों अभी आपने एक वीडियो का क्लिप देखा, यहाँ पर आपने देखा कि कैसे ये मीडिया के ऑफिस में यहाँ पर बहस चल रही है और एक किस बात पर बहस चल रही है, क्या मामला है और यहाँ पर क्यों ये लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर किस बात पर बहस चल रही है, हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर डेली अपलोड होती रहती है। तो आप इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ पर वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पर जो शख्स हैं वीडियो में, इनका नाम है बिशप अमरदीप, जो कि ये राजस्थान का यहाँ पर पास्टर है, राजस्थान में ये चर्च चलाते हैं, वहाँ का पास्टर हैं और इनको मीडिया के ऑफिस में बुलाकर यहाँ पर लोग इनसे क्या सवाल जवाब कर रहे हैं, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। मैं इनको बिशप कभी भी नहीं बुलाऊंगी। क्यों ऐसा? मेरे लिए ये बिशप बिल्कुल भी नहीं है, इनके जो नाम है उस नाम से ही मैं इनको एड्रेस करूंगी। इनका नाम है अमरदीप। मैं गिदौन भी हूं और मैं दाऊद भी हूं। अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर आप क्रिश्चियन है तो मैंने कहा आपको गलत बोला? मैंने बोला मैं कैथोलिक हूं, मैं बैप्टिस्ट हूं, मैं प्रेस्बिटेरियन हूं, मैं प्रोटेस्टेंट हूं और मैं भारत देश की बेटी भी हूं और मैं सबसे पहले एक इंसान हूं। नहीं, थोड़ा गर्म हो गए हो, आप गुस्से में आ रहे हो। आप मेरी बात, आपने गदौन की स्टोरी पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी, आपने गलत टर्न ले लिया। मैं पहले इंसान हूं और मेरे अंदर परमात्मा बसते हैं, लेकिन आप जैसे ढोंगियों के लिए नहीं हूं मैं। उसने कहा आपके कहने से कोई ढोंगी नहीं होने वाला। नहीं नहीं, एक सेकंड आप अगर आप एक बात पे अगर कह देते ना मैं कैथोलिक हूं और मैं फिर आपसे बात करता। नहीं नहीं मैम, दूसरी ऐसी ईसाई पैनलिस्ट है हमारे साथ जो आपको कह रही है कि आप ढोंगी। अरे हम एक, एक व्यक्ति ये, हम तो जैसे ये सिस्टर है, हाँ। इसके कहने से इसके कहने से तो ढोंगी हो जाता। यहाँ लेकिन विषय अमरदीप जी तो आपसे पूछा जाएगा। रखिए आप बाइबल को नीचे, ये बाइबल झूठी है, इनको बोलो। नहीं क्यों बोलूंगी, आप बाइबल पे ये भी लिखा है आप बिना कारण मेरा नाम, बोल रहा हूं, बाइबल से बोल रहा हूं, बाइबल में ये भी लिखा है कि आप बिना कारण मेरा नाम इस्तेमाल नहीं करोगे और आप वही कर रहे हो, ईश्वर के नाम को इस्तेमाल करके खेल रहे हो। आप अगर सच्ची में जानते हो कि आपके अंदर परमपिता ईश्वर का आशीर्वाद है तो छोड़िए ये लिबास और निकल। दोस्तों अभी आपने यहाँ पर वीडियो में देखा है, यहाँ पर ये बिशप अमरजीत अमरदीप नाम है इनका और ये राजस्थान चर्च चलाते हैं, राजस्थान में इनका चर्च है और वहाँ का ये पास्टर हैं और इनके साथ में यहाँ पर मीडिया के यहाँ पर पत्रकार भी हैं, यहाँ पर लोग इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, यहाँ पर एक लेडीज हैं जो कि इनसे सवाल कर रही हैं और थोड़ा ये अकड़ में हैं, ये थोड़ा अकड़ में जो है थोड़ा मोटा मिजाज से जो है बात कर रही हैं और यहाँ पर जो चमत्कार करते हैं चर्च में, जो ये अमरदीप नाम का जो यहाँ पर पास्टर हैं, ये जो अपने चर्च में चमत्कार करते हैं उसको लेकर यहाँ पर लोग सवाल खड़ा किए हैं और यहाँ पर बाइबल ये अपने हाथ में लिए हैं, बाइबल के वचन से ये चलते हैं और बाइबल के द्वारा ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी चीज़ का जो है ये पालन करते हैं, बाइबल के ही वचन से चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब बाइबल के द्वारा इन्होंने जब वचन सुनाया, वचन बताया कि यहाँ पर बाइबल में ये चीज़ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो महिला हैं ये जो है इनकी बातों से भड़क गई और यहाँ पर इन्होंने बोला कि बाइबल आप नीचे रख दीजिए और मैं आपको सिर्फ अमरदीप के नाम से बुलाऊँगी, मैं आपको सिर्फ जो है बिशप के नाम से नहीं बुलाऊँगी और मैं सिर्फ आपको अमरदीप के नाम से बुलाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं यही नाम कह के बुलाऊंगी। और इनको पता नहीं किस बात से जलन है, किस बात से इनको चिढ़ है और ये यहाँ पर जो है मीडिया के सामने यहाँ पर इनको बैठा कर और इनका जो है यहाँ पर इंसल्ट कर रही हैं, यहाँ पर किस हिसाब से इनसे बात हो रही है और ये जो है चर्च में जो भी सेवा करते हैं, जो भी लोगों को जो है वहाँ पर मुफ्त में जो प्रार्थना आराधना करते हैं, जो लोगों का वहाँ पर इलाज करते हैं, ये अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम लोगों के लिए करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्यों इनको ऐसे जो है चिढ़ है कि ये
यहाँ पर इनको जो है इंसल्ट कर रही हैं मीडिया के सामने, और यहाँ पर ये चुपचाप यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है सिर्फ वो अपने वचन के द्वारा चल रहे हैं, वचन का वहाँ पर जो पालन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने वीडियो में देखा कि कैसे यहाँ पर तीनों आदमी यहाँ पर मीडिया ऑफिस में बैठकर और कैसे यहाँ पर लोगों का जो है एक दूसरे को यहाँ पर गलत बना रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा, आप इस वीडियो बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे।